आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे किसी भी जगह पे या किसी भी ऑब्जेक्ट में आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख के उसमें ट्रैक कर सकते हो। तो जैसे आप लोग ठीक ऐसे ही आप लोग कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट आप लोग किसी भी जगह पे ट्रैक करके लगा सकते हो। तो वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक देखते रहो। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने मीडिया इंपोर्ट कर लिया है विंची रिजॉल्व के अंदर। मैं जो वाला विंची रिजॉल्व यूज कर रहा हूं वो है 18.5 स्टूडियो वर्षन है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप लोगों को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऊपर आप लोग देख सकते हो न्यू फ्यूजन क्लिप, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्यूजन में आ जाना है। फ्यूजन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोलर स्पेस दबाना है। कंट्रोलर स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ट्रैकर ऑन करके रखा है, तो यहाँ पे ट्रैकर को आप लोग क्लिक करके ऐड कर देना है। जैसे आप लोगों का ट्रैकर यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड होने के बाद यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक ट्रैकर आ गया है। अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को पहले एकदम फर्स्ट फ्रेम में आना है। फर्स्ट फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ट्रैकर को ऊपर इस डॉट में पकड़ के यहाँ पे ट्रैकर के अंदर लाना है। लाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ट्रैकर का रेडियस बढ़ाना है क्योंकि ये अच्छे से एरिया को कवर कर पाए। तो मैं ट्रैकर को एकदम मिडिल में सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका कवरेज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ट्रैकर अच्छे से इसको ट्रैक कर पाए। ठीक है, एडाप्टिव मोड विद एवरी फ्रेम और बेस्ट मैच, यहाँ पे ये आप लोग क्लिक करके इसका बेस्ट मैच कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, अच्छे से इसको ट्रैक कर पाएगा अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है नॉर्मल ट्रैक करने में। तो इसको मैं ट्रैक फॉरवर्ड स्टार्ट करता हूँ, इस वाले बटन को दबा के ट्रैक फॉरवर्ड करो तो ये ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे ट्रैक कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छे से परफेक्टली इसने ट्रैक ले लिया है। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक एनिमेशन वाला मेथड है, एक नॉर्मल वाला मेथड है। मैं आज आप लोगों के साथ नॉर्मल वाला मेथड शेयर कर रहा हूँ। आप लोग एनिमेशन टेक्स्ट भी दे सकते हो या फोटोज भी कोई भी लगा सकते हो, लेकिन आज मैं टेक्स्ट वाला दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो एनिमेशन वाला तो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली टी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इसमें का मतलब है टेक्स्ट। तो यहाँ से टेक्स्ट आप लोग ऐड कर लो। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग जिसको भी जो भी वर्ड को ट्रैक करवाना चाहते हो उस वर्ड को यहाँ पे टाइप करो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो सब्सक्राइब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट आप लोग कलर भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली इसका कलर यहाँ पे ऐड करके टेक्स्ट को कलर कर सकते हो। ठीक है, सो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हो, फ्रंट यहाँ से चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। ओके, सो ये हो गया। तो होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ट्रैकर के यहाँ पे आना है। तो ट्रैकर में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो ऑपरेशन मोड है, ऑपरेशन मोड में जाके आप लोगों को मैच मूव सिलेक्ट करना है। मैच मूव सिलेक्ट होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इन ट्रैकर को या इन एलिमेंट्स को आप लोगों को साइड में रखना है और आप लोगों का टेक्स्ट का जो ग्रीन लाइन है ना उसको आप लोगों को ट्रैकर के लाइन में लगा देना है, तभी जाके आप लोगों का ये अच्छे से काम करेगा। और इसको मूव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट वाले नोट को सिलेक्ट करना है। करने के बाद इसको परफेक्ट जगह पे प्लेस करना है। ठीक है, परफेक्ट जगह पे प्लेस करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, तो अपनी मन मुताबिक वो आप लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा आप लोग कैसे किसी भी जगह पे या किसी भी ऑब्जेक्ट में आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख के उसमें ट्रैक कर सकते हो। तो जैसे आप लोग तो बस यही था इस वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एक लाइक जरूर करना और भाई दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर रहो तो सब्सक्राइब करो और जिसने भी सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता फिर से और एक वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।